सुनाई नहीं दे रहा है। अब्बू के लिए, अब्बू के लिए तो खा कौन रहा है? कौन खा रहा है? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो हम आए हैं अभी शाम में फिर से, ये मैडम ने हमको अमराई 69 लेकर आई है बिकॉज इसको खेलना होता है सर। हो गई मॉर्निंग आपकी। तो क्या है आज क्यों व्लॉग स्टार्ट करें? क्योंकि अब्बा का आज फादर्स डे। हाँ, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज है फादर्स डे और ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं होता कि सिर्फ एक ही दिन हमें अटेंशन देना चाहिए हमारे अब्बू को। एवरी डे इज अ फादर्स डे एंड हमको हमको अच्छे से हमारे अब्बू का ख्याल रखना चाहिए। और सिर्फ एक दिन नहीं, हर दिन। बाप का भी भला कोई दिन होता है, बाप के बगैर तो कोई दिन ही नहीं होता है, है ना? मतलब मैंने जोया के इमोशंस समझ गई मैं। और मैं तो मेरे फादर को बहुत मिस कर रही हूँ। आई मिस यू अब्बू। अनु, आपके लिए फादर्स डे एक दिन होता है क्या रोज होता है? रोज। आप प्यार करते हो अपने अब्बू को कितना? चलो दोनों बोलो फिर। अब्बू को छोड़ती नहीं है। और तुम? ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो आज थोड़ा स्पेशल मंगाया है हमने। रैप्स मंगाए हैं, डोनट्स मंगाए हैं। जोया ने सोचा कि अब्बू के लिए कुछ स्पेशल किया जाए। छुट्टी भी है, फादर्स डे भी है। वैसे तो वो करते रहती है ऐसा हमेशा, बट आज थोड़ा स्पेशल। इसमें थोड़ा मुझे लगता है खुद को भी खाना है उसको। इसलिए भी मंगवाया है ना। सच्ची बोलो, सच्ची बोलो। तो चलो खिलाओ अब्बू को फटाफट। चलो, हाँ चलो खिलाओ, खिलाओ। चलो थैंक यू। तो बस अभी हम नाश्ता करते हैं। ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आप लोगों ने कल का छोटा सा मैंने क्लिप निकाली थी। कल जो था ना बहुत ज़्यादा सैटरडे था और जो भी मेरे प्रमोशंस वगैरह थे तो कल मुझे वो लाइंड अप करने पड़े। तो कल वहाँ पर मेरी फ्रेंड के घर गई थी बिकॉज वहाँ पर धूप आती है अच्छे से, सनलाइट उधर से अच्छे से आती है। तो स्किन केयर के जो भी प्रमोशन रहते हैं मैं वहाँ पर जाकर करती हूँ ताकि आप लोगों को जो वीडियो है ना वो क्लियर दिख सके और पता चले कि स्किन केयर सच में इफ़ेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसलिए मैं वहाँ गई थी और फिर रात में हमारी चिटुकली मैडम ने फरमाइश की कि वापस वहाँ जाना, उसका फेवरेट होटल हो गया है अमराई 69। तो वहाँ गए थे और उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। कल दिन भर प्रमोशन था तो बहुत थक गई थी। फिर कल मैंने इतना ज़्यादा शूट नहीं कर पाई। और आज है संडे, तो आज जो है फादर्स डे है। आप लोगों ने देखा बच्चे लोगों ने कैसे छोटा सा सेलिब्रेशन किए। वैसे तो मेरे ख्याल से तो फादर्स डे जो होता है वो हमेशा होना चाहिए, स्पेसिफिक माँ बाप के लिए एक दिन नहीं रखना चाहिए। माँ बाप का तो हर दिन होता है। इनफैक्ट ब्रदर्स डे, सिस्टर्स डे, फ्रेंडशिप डे, ये सब तो मैं पर्सनली नहीं मानती हूँ इस चीज़ को, बिकॉज स्पेसिफिक एक दिन उन लोगों को प्रायोरिटी दो, उन लोगों को अटेंशन दो, उन लोगों के लिए सेलिब्रेशन कर लो, उनके खुशी में खुश हो जाओ। सिर्फ एक दिन, ये मुझे नहीं पसंद।
सच बताओ तो मेरा ये मानना है कि आप कभी भी अपने माँ बाप को गिफ्ट कर सकते हो, कभी भी उनको खुश कर सकते हो, कभी भी नहीं, हमेशा अटेंशन देना है उनको, एक दिन स्पेसिफिक नहीं करना है। मुझे स्पेशली, मैं ऐसा सोचती हूँ, मुझे नहीं पसंद, मैं चाहूँ तो मेरे लिए हर दिन मदर्स डे, फादर्स डे, फ्रेंडशिप डे, सिस्टर डे, ब्रदर डे, सब ऐसा है, स्पेसिफिक एक दिन हम नहीं मनाते। वैसे ही मैं अपने बच्चों को भी सिखाती हूँ, बेटा एक दिन, सिर्फ एक दिन ही फादर्स डे नहीं होता है, हर दिन फादर्स डे होता है। फादर मतलब माँ बाप है तो सब कुछ है, पूरा माँ बाप नहीं है तो कोई दिन दिन नहीं लगता है, कुछ घर घर नहीं लगता है। नीचे शौर जी अभी मेरे बातों से बोर हो गए, सोच रहे क्या कितनी बातें करती है। बस मेरा ये मानना है कि मेरे लिए स्पेसिफिक एक फादर्स डे नहीं है, एक दिन फादर्स डे नहीं है, मदर्स डे नहीं है, हर दिन फादर मदर डे है। ओके, तो ये है, आप जो है काम धंधे पे लग जाना है मुझे अपने। तो मैं अब कर रही हूँ इस आयन, कल की तैयारी करनी है, मंडे से दोनों की स्कूल स्टार्ट हो रही है, अनाया और जोया की, तो मैं फटाफट इनके स्कूल यूनिफॉर्म प्रेस कर देती हूँ। और मैंने आज बनाया है शाम में, सबको आज सूप राइस खाने का दिल था, तो आज शौजी ने मटन लेके आए थे तो मैंने सूप राइस बनाया है। अब मैं पहले प्रेस करती हूँ, फिर हम लोग डिनर करते हैं, और उसके बाद जो है नहीं आटा गूंदना है, सॉरी आटा गूंदना है, फिर मैं सो जाऊंगी। और नेक्स्ट जो व्लॉग आएगा आपको, जो मेरा मॉर्निंग रूटीन है, बच्चों को मैं कैसे स्कूल भेजती हूँ, क्या है मेरा जो मॉर्निंग का क्या करती हूँ, वो सब नेक्स्ट व्लॉग में होगा। अब फिलहाल मैं फटाफट प्रेस कर लेती हूँ, आयन कर लेती हूँ कपड़ों को, यूनिफॉर्म को, और फिर मैं किचन में चलती हूँ, बच्चों को खाना, बच्चों को क्या, हम सभी खाना खाएंगे, डिनर करेंगे, और फिर जल्दी सुलाना भी है उन लोगों को, कल स्कूल है तो फिर सो जाएंगे, फिर जो भी है नेक्स्ट बताती हूँ आपको। चलिए ये जो है ना, ये शौर्जी, अनाया, जोया को बहुत ज़्यादा पसंद है, और हेल्दी भी है, क्योंकि हफ्ता भर हम लोग वेज ही खाते हैं बच्चे, तो मैं सोचती हूँ एटलीस्ट सैटरडे संडे नॉन वेज और इतना हेल्दी सूप वगैरह उनको दूँ, ताकि वीक हफ्ता भर उन लोग हेल्दी रहे। अब जो है मैं अनाया के लिए पहले निकालती हूँ, अनाया को खिलाते हैं, फिर हम लोग खा लेंगे। ये वाइट प्लेन राइस है, और ये सूप है जो कि अनाया का फेवरेट है। बस अभी मैं उसको खिला, शॉर्ट जूस को खिलाएंगे, तब तक के मैं देखती हूँ कोई दूसरा काम करती हूँ। अनुशोनी, मैंने आपके लिए क्या बनाया आज? सूप राइस। यू लव इट? आपको पसंद है? सरप्राइज खा लो। चलो फटाफट, चलो तुम खा लो। ओके बेबी, सोना है, स्कूल है सुबह, चलो फटाफट। ओके, तो ये क्या है, डोनट्स किसके लिए लाए थे तुमने? किसके लिए? सोना ही नहीं दे रहा है। अब्बू के लिए। अब्बू के लिए? तो खा कौन रहा है? हाँ, कौन खा रहा है? ये अच्छा है बेटा, फादर्स डे के, फादर्स डे का मेरे को बोलकर मंगाई और खुद खा रही है। और ये देखो, वैसे भी अब्बू को ज्यादा मीठा पसंद नहीं, खा लो, अब्बू को बस ये चाहिए, तुम लोग अच्छे से रहो, ठीक है? वो पूरा फिनिश, ए पूरा फिनिश मत करो, अनु को भी दो। अच्छा, अच्छे शेयर करके खाओ दोनों, चलो फटाफट। ओके, चलो सब लोग बाय बोलो, मैं व्लॉग एंड कर रही हूँ, अल्लाह हाफिज। तो अब जो है ये व्लॉग एंड करती हूँ, ये दोनों की लड़ाई चल रही है डोनट्स पर, कल फिर से मंगा कर दूंगी। ऐसे क्या कर रहे तुम लोग? हाँ, तो अब जो है ये व्लॉग एंड करती हूँ। तो ऐसा था सैटरडे संडे, जो भी थोड़ा बहुत मैं शेयर कर पाई वो कर लिया मैंने सैटरडे संडे। अब जो है मैं एक मम्मी जब थे ना, तब हमने ना पराठा बनाए थे मेथी पालक का,
तो वो जो है वो आप लोगों से शेयर करती हूँ। ये मैं अब एंड करती हूँ और इसके बाद वो वीडियो आएगा फौरन इसके बाद यही व्लॉग में, तो आप लोग वो देख लीजिए उसकी रेसिपी। और ये व्लॉग एंड करती हूँ। आई होप ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़। और पराठे की रेसिपी ज़रूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं मेथी पालक के पराठे की रेसिपी, जो कि मैंने ऑलरेडी रेसिपी शूट करके रखी थी बट शेयर नहीं कर पाई, तो मैंने सोचा अब कर लूँगी। ये मेरे मम्मी की रेसिपी है, जब मम्मी थे तब ये मैंने शूट किया था। अब जो है स्टार्ट करते हैं मेथी। मैंने एक गड्डी मेथी ली है, एक गड्डी पालक ली, और मैंने थोड़ा सा धनिया लिया है, हरा धनिया। इसको अच्छे से चॉप किया है, आप कट भी कर सकते हैं, मेरे पास चॉपर था तो मैंने चॉप कर लिया। अब जो है ऐड करना है थोड़ी सी अदरक, 8-10 लहसुन की कलियां, और मैंने इधर 3 हरी मिर्ची ली। अगर आपको और ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो आप और 2-3 ऐड कर सकते हो आपके टेस्ट के हिसाब से। 2 टीस्पून ज़ीरा ऐड किया है, इसका पेस्ट बनाया है, और ये जो सब्ज़ी जो चॉप करके रखी है भाजी, ये इसमें ऐड करना है ये पेस्ट। बहुत ही यमी पराठा लगता है, अब ज़रूर इसे ट्राई कीजिए। और अब इसमें ऐड करना है अपने स्वाद अनुसार नमक। इसमें थोड़ा ज़्यादा नमक पड़ता है बिकॉज़ आटा भी मिक्स होता है, तो थोड़ा ज़्यादा नमक लगता है, तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से अपने अंदाजे से नमक ऐड कर लीजिए। और ज़रूर ट्राई करके मुझे बताना कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। मम्मा बनाते हैं तो हम लोग बहुत ही शौक से खाते हैं, मैं भी बनाती हूँ अब अनाया और जोया के टिफ़िन के लिए ये पराठा, तो वो लोग बहुत शौक से खाते हैं। तो अब इसमें ऐड करना है 1 टीस्पून हल्दी, और आप लोग ज़रूर ट्राई करके मुझे बताइए कि आपको कैसे लगेगा ये पराठा। और बस अभी मैं इसमें ऐड करना है 1 टीस्पून अजवाइन, ताकि इसका फ्लेवर और ज़्यादा इन्हांस हो जाए। और अब जो है इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, रेड चिली पाउडर, जो कि बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं है। अगर आपको और स्पाइसी चाहिए तो आप स्पाइसी वाली भी ऐड कर सकते हो, ये सिर्फ कलर के लिए है। और इसमें ऐड किया है 1 टेबल स्पून तिल, तिल ऐड करना है, तिल थोड़ा ज़्यादा ऐड होगा इसमें। और एक जो है आलू ऑलरेडी हमने बॉईल करके रखा था, उसे अच्छे से खींच लेना है, मैश कर लेना है इसके अंदर, ताकि पराठे का फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाए। तो इसमें आलू डालना है और इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल, और फिर इसमें ऐड करेंगे आटा, और घी का आटा लिया है, वीट का आटा लिया है। और आटा ज़्यादा भी आटा ओवर नहीं डालना है बिकॉज हमें वो पालक मेथी का फ्लेवर चाहिए, तो आप अपने हिसाब से आटा डालिए, ज़्यादा ओवर भी नहीं डालना है, एकदम कम भी नहीं डालना है। और इसमें जो है ना पानी भी नहीं लगता है, ऑलरेडी मेथी और पालक में पानी होता है, तो उसी के साथ ही गूंदना है। अगर आपको लगता है कि पानी की ज़रूरत है तो ही ऐड करना, वरना मैं तो कहूँगी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। जब पूरा आटा गूंद जाता है उसका और पानी छूटता है, तो ज़रूरत नहीं पड़ती है पानी की। फिर भी अगर आपको लगता है कि आटा ज़्यादा हो गया है और ज़रूरत पड़ रही है, तो आप हल्का सा पानी ऐड कर लीजिए, ज़्यादा नहीं। बस आटा अच्छे से गूंदना है, और फिर जैसे रोटी बनाते हैं वैसा पराठा बनाना है, दैट्स इट। बहुत ज़्यादा हेल्दी रेसिपी है ये, बच्चों को टिफ़िन में दीजिए, आप खुद खाइए। ऐसे पालक मेथी बच्चे खाते नहीं हैं, तो पराठा बनाकर ही देती हूँ मैं तो। बहुत सारे चीज़ों का पराठा बनाती हूँ, इंशाल्लाह मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। और बस ये तो मम्मा ही गूंद रहे आटा, मम्मा जब भी आते तब पराठे बना के ही खिलाते, तो बस इसको गूंदना है और अच्छे से बेल कर फ्राई कर लेना है, और गर्मा गर्म सर्व करना है। किसी के साथ भी खाइए, अचार के साथ खाइए या फिर सॉस के साथ खाइए। और ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए। ये हाथ देखकर मम्मा की याद आ गई, मम्मी ने ये पराठा बनाया है, और आई मिस यू मम्मा। बस अगर आपको ये
रेसिपी पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। बहुत जल्द लेकर आऊँगी बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।